नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक कुत्ते ने बताया कि कौन सी औलाद माँ बाप से बदला लेने के लिए जन्म लेती है। मनुष्य के बुरे कर्म कब तक उसका पीछा करते हैं? क्या हमें हमारे बुरे कर्मों की सजा मिलती भी है, या फिर यही हमें डराने के लिए ही बस कह दिया जाता है? तो दोस्तों, इस सभी सवालों का जवाब जानेंगे हम आज की एक ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से। प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय श्री हरि विष्णु जरूर से लिखिएगा। प्रिय दोस्तों, पुराने समय की बात है, किसी नगर से बाहर एक भगवान नारायण का मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के पास में एक कुत्ता और कुतिया रहती थी। कुत्ता और कुतिया उस मंदिर परिसर में रहकर भगवान नारायण का गुणगान करती थी और अपने भागवत प्राप्ति हेतु प्रार्थना करती थी। घृण योनियों में जन्म लेने के कारण वे मंदिर से दूर दूर रहते थे और पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान नारायण की भक्ति किया करते थे। एक दिन कुतिया कुत्ते से पूछती है, हे स्वामी, ना जाने हमने कौन से घोर कुकर्म किए हैं जिसके कारण हमें यह कुत्ते का शरीर मिला है। इस शरीर में हमें किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं है, दुख ही दुख विधाता ने हमारे शरीर के साथ बांध दिए हैं। भूखे प्यासे दिन गुजारना पड़ता है, अकारण लोगों की गुस्सा का शिकार बनना पड़ता है, सर्दी गर्मी वर्षा में भी हमें यूं ही बाहर सोना पड़ता है। जरूर हमने कोई जघन्य पाप किए होंगे, इसीलिए तो हम दोनों कुत्ते की योनि में आए हैं। प्रिया दोस्तों, कुतिया की बात सुनकर कुत्ता कहता है, हे प्रिया, हम दोनों का जीवन ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं तुम्हें वह कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनना। तब कुतिया कहती है, हाँ स्वामी, मैं तुम्हारी उस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। तुम मुझे बताओ कि हम दोनों कौन हैं और यह कुत्ते की योनि में क्यों आए हैं। तब कुत्ता कहानी सुनाना आरंभ कर देता है। कुत्ता बोला, इससे पहले हम दोनों एक भूत प्रेत योनि में थे। उस समय तो हम नरक से भी महाभयानक दुख भोग रहे थे। हरिद्वार नगरी की बात है, उस नगर में एक कुंज नाम का जवान ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण काफी पढ़ा लिखा और तपस्वी था, सभी धर्म शास्त्रों का उसे अच्छा ज्ञान था। वह नित्य पूजा पाठ और धर्म कर्म करता था, समस्त जीवों की भलाई के लिए काम करता था। कुंज की ख्याति चारों दिशाओं में बड़ा ही प्रसिद्ध था, लोग हमेशा उसका सम्मान करते थे। एक दिन वह किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए किसी दूसरे शहर में जाता है और अपना अनुष्ठान संपन्न करके अपने घर लौट रहा था। अंधेरा काफी हो चुका था, जंगल के रास्ते से होकर उसे अपने नगर पहुंचना था। दुर्भाग्य से वह जंगल में रास्ता भटक गया। रास्ते की खोज करता हुआ वह एक भयानक सुनसान स्थान पर जा पहुंचा। रात के अंधेरे में वहां उसे एक डरावना स्वर सुनाई दिया। अब तो बेचारा वह डरता हुआ आगे की ओर बढ़ता चला गया। अपने चारों ओर जब वह नजर घुमाकर देखता है तो उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आता। चलते चलते कुंज एक सूखे हुए पेड़ के पास में जा पहुंचता है। उस पेड़ पर जब उसकी दृष्टि गई तो वहां का मंजर देखकर वह डर के मारे सहम सा गया। उस पेड़ पर दो भयानक पिशाच किसी मरे हुए जानवर का मांस खा रहे थे। उन पिशाच का भयंकर चेहरा था, शरीर पर मात्र अस्थियों का ढांचा था और सूखी हुई खाल थी। भूख से उनका पेट पीठ के अंदर घुस गया था। वे दोनों बड़े चाव से उस जानवर का मांस और रक्त पीने में लगे हुए थे। उन दोनों पिशाच और पिशाचिनी की आंखों से और नाक से रक्त बाहर था। वे दोनों देखने में इतने खूंखार थी कि मनुष्य क्या उन्हें देखकर देवता भी भय से कांपने लगे। वे केवल मृत मनुष्यों का या जंगली जानवरों का खून पीते थे और उनका ही भक्षण करते थे। लंबी लंबी नुकीले नाखून थे और ताकत इतनी थी कि एक ही बार में एक हाथी या शेर को पकड़कर खा जाए। ऐसे महाभयानक आकार वाले पिशाच और
पिशाचिनी को देखकर कुंज अत्यंत घबरा जाता है। कुंज को ऐसा लग रहा था जैसे आज वह स्वयं चलकर मौत के मुंह में आ गया है। उन्हें देखकर कुंज चुपचाप वहां से पीछे को लौटने का विचार बनाता है, लेकिन घबराहट में उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। उसके पैरों से कुछ सूखे पत्तों के टूटने का शोर होता है। उस शोर को सुनकर पिशाच और पिशाचिनी कुंज को देख लेते हैं। उन्होंने देखा कि एक नौजवान मनुष्य वहां से वापस लौटने की योजना बना रहा है। अब तो वे दोनों उस जानवर को छोड़कर कुंज को झपट पड़े और कुछ कदम भागने पर ही उसे पकड़ लिया। हटकट्टे नौजवान को देखकर वह पिशाच और पिशाचनी आपस में छीना झपटी करने लगे। पिशाच बोला, यह नौजवान बड़ा हष्ट पुष्ट है, सबसे पहले इसे मैं खाऊंगा। पिशाचनी बोली, नहीं नहीं, इसे मैंने दबोचा है इसलिए इसे पहले मैं खाऊंगी। दोस्तों दोनों में छीना झपट्टा होती है। इतने में कुंज ने अपने कमंडल से जल लिया और मंत्रों से अभिमंत्रित करके उन दोनों के ऊपर छिड़क दिया। जल के छींटे लगते ही उन दोनों के शरीर से भयंकर बेचैनी होने लगती है। भयंकर पीड़ा से उनका शरीर जलने लगता है। अब तो कुंज को छोड़कर दोनों अपने जलते हुए शरीर की यातना में छटपटा आने लगे। कुछ देर के बाद जब दोनों की जलन कुछ शांत होती है तो वे कुंज को छोड़कर दूर खड़े हो जाते और कहने लगे कि हे मनुष्य, तू कौन है और तूने ऐसा क्या हमारे ऊपर छोड़ दिया जो हमारा शरीर अग्नि के समान जलने लगा। कुंज कहने लगा, हे पिशाच, अगर आप मेरी एक बात मान लेते हो तो मैं स्वयं तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। तुम दोनों मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। कुंज की बात सुनकर वह प्रेत कहता है, अरे वाह, यह तो और भी अच्छी बात है, जो तू स्वयं अपना शरीर हमें अर्पण कर देगा। वैसे तो जो जीव हमारे पास आता है वह अपने प्राण बचाने का पूरा प्रयास करता है। खैर, तू एक पहला है जो स्वयं मरने को तैयार है। ठीक है, हमें बताओ हमें क्या करना होगा। तब वह ब्राह्मण कहता है, मैं तुम्हें इस नारकीय शरीर से मुक्ति दिला सकता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर वह चुड़ैल हंसने लगी और कहने लगी, वाह जी वाह, खुद की तो अभी मूंछ नहीं निकली है और हमें मुक्ति दिलाने की बात कर रहा है। इधर पिशाच ने कुछ देर विचार किया और कहा कि अगर तुम हमें इस शरीर से मुक्ति दुला दोगे तो हम पर तुम बहुत बड़ा उपकार करोगे। मित्रों, उसी समय ब्राह्मण ने अपने कमंडल से जल लिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए उस जल को उस पिशाच और पिशाचनी को ऊपर छोड़ दिया। जल के प्रभाव से उन्हें अपने पूर्व जन्म का सारा घटनाक्रम याद हो जाता है। पिछले जन्म में उन्होंने जो जो किया था वे दोनों उन बातों को याद करके बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। ब्राह्मण ने कहा, है पिशाच, अब तुम मुझे बताओ कि तुमने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जिसके कारण विधाता ने तुम्हें इस प्रेत शरीर में दुख भोगने के लिए छोड़ दिया है। मित्रों, तब वह प्रेत कहता है, हे ब्राह्मण, ध्यान देकर सुनो, हम लोग अपने पूर्व जन के कर्मों के कारण इस महाभयानक पिशाच शरीर में पड़कर दुख भोग रहे हैं। देखने में मेरा शरीर पहाड़ की तरह है लेकिन मेरा मुख एक सुई की नोक के समान छोटा है। मैं बड़े बड़े जीवों को मार तो सकता हूँ पर उन्हें खा नहीं सकता। पिछले 75 वर्षों से मैं अपनी स्त्री चुड़ैल के साथ इसी पेड़ पर रहता हूँ। यह चुड़ैल मेरी पूर्व जन्म की पत्नी है और इस जन्म में भी यह मेरी स्त्री है। इसके मुख को कई बार खंजर से भोंका गया है इसलिए इसका मुख भयानक हो गया है। यह हमारे पिछले जन्म के कुकर्मों को हमारे साथ भोग रही है। हम लोग क्षुधा से तड़पते रहते हैं, चाहे कितने ही जीवों को मारकर खा जाए लेकिन हमारी भूख शांत नहीं होती। मित्रों, तब प्रेत उस ब्राह्मण को अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता है कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैं इसी नगर का रहने वाला एक व्यक्ति था। उस समय मेरा नाम ललन था। छोटा मोटा व्यापार करके मैं अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ व्यापार के सिलसिले में इसी गांव में आता हूँ। राजा से हमें व्यापार करने की आज्ञा तो मिल गई लेकिन हमें रहने के लिए ठिकाना चाहिए था। एक दिन मेरी भेंट यहाँ के मंदिर के पुजारी रघुवीर
से होती है। रघुवीर बहुत ही भला इंसान था और उसकी पत्नी भी बड़ी आदर्श महिला थी। उन्होंने हमें अपने यहाँ रहने की अनुमति दे दी। जल्द ही हमारी मित्रता रघुवीर पुजारी से हो जाती है। रघुवीर की पत्नी मेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखती थी और मैं अपनी पत्नी के साथ रघुवीर के घर पर आकर रहने लगा। रघुवीर का 1-7 वर्ष का बेटा था। रघुवीर अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी। उनका बेटा भी बड़ा संस्कारी था। अपने माता पिता की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करता था, ना कहीं घूमने जाता था। ललन रघुवीर के घर पर रहकर अपना व्यापार का काम शुरू करता है। धीरे धीरे कुछ ही सालों में उसका व्यापार अच्छा चल जाता है और वह बहुत धनवान होता चला गया। मगर रघु जैसा पहले था वैसा आज भी था। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी। वह अक्सर पूजा पाठ करके जो दान मिल जाती थी उसी से अपने परिवार को पालता था। एक दिन रघु की पत्नी भानुमती ने देखा कि ललन हमारे घर में रहकर व्यापार करके खूब पैसा वाला बन गया है और मेरा पति गरीब का गरीब है। एक दिन रघुवर की पत्नी ने ललन से कहा कि आप व्यापार करके कितनी उन्नति कर गए हो, क्यों ना आप हमारे पति रघुवर को भी अपने व्यापार में शामिल कर लो, जिससे हमारे परिवार की भी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक हो जाएगी। रघुवीर की पत्नी के निवेदन करने पर ललन मना नहीं कर सका। उसने कहा ठीक है, आप कुछ पैसों का इंतजाम कर लो और मेरे साथ अपने पति को भी व्यापार करने को चलने बोलो। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार रघुवर की पत्नी ने रघुवर की जो जमीन थी उसे एक साहूकार के यहाँ गिरवी रखवा दी। साहूकार से जो पैसा मिला था उस पैसे से रघु भी ललन के साथ व्यापार करने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। व्यापार करते करते उनके पास काफी पैसा इकट्ठा हो जाता है। एक दिन ललन ने रघु को सुझाव दिया कि मित्र, हम क्यों ना अपने व्यापार को कुछ विस्तार दें, क्यों ना हम दूसरे राज्यों में जाकर व्यापार करें, तो निश्चित ही हमें बड़ा धन लाभ हो सकता है। रघुवीर ने कहा भैया, बात तो तुम्हारी ठीक है, किंतु हम दूसरे राज्यों में जाएंगे तो फिर हमारे परिवार को कौन देखेगा। बाहर जाकर तो हमें कई कई दिन लग सकते हैं। ललन ने कहा भाई, परिवार की चिंता क्यों करते हो, परिवार के लिए हमें खाने की व्यवस्था करके चलते हैं और तुम्हारी पत्नी तो मंदिर में पूजा पाठ करके अपना समय काट ही लेगी। इस प्रकार वे दोनों व्यापार करने के लिए घर से चल पड़ते हैं। मित्रों, ललन बड़ा ही लालची और धूत किस्म का इंसान था। ठीक उसी तरह की उसकी पत्नी भी थी। वह भी बड़ी कुटिल और लालची स्त्री थी। ललन अक्सर अपनी पत्नी के इशारे पर ही चलता था। पत्नी जो कुछ भी कह देती थी वह उसे जरूर करता था। वह हमेशा मीठी मीठी बातों में फंसाकर गांव वालों को थकता रहता था। साथियों, ललन और रघुवीर धन लेकर दूसरे राज की तरफ निकल पड़े। चलते चलते वे एक शहर की सराय में पहुंच जाते हैं। उसी सराय में वे दोनों ठहर जाते हैं। श्रीधर के लिए सब कुछ नया नया था, क्योंकि वह आज पहली बार दूसरे राज से व्यापार करने के लिए आया था। लेकिन ललन पुराना था। उसे व्यापार के मामले में और बाहर के चाल चलन की रहन सहन के बारे में अच्छी जानकारी थी। जब वे दोनों एक सराय में ठहर जाते हैं, उसी सराय के पास में एक आदमी लालच भरा खेल लोगों को दिखाकर ललचाया करता था। जब उस जुए के बारे में ललन को पता चला तो वह भी रघु को साथ लेकर जुए की तरफ बढ़ चला। रघु ने कहा मित्र, हम व्यापार करने आए, जुआ खेलने नहीं, तो हम उधर क्यों जा रहे हैं। ललन ने कहा नहीं नहीं मित्र, हम जुआ खेलने नहीं, देखने चल रहे हैं। रघु ने कहा हाँ मित्र, इतिहास गवाह है, जुए से आज तक कोई धन मान नहीं हुआ। बड़े बड़े राजा महाराजा इस जुआ ने भिखारी बना दिए। मित्रों, रघुवीर के बार बार मना करने पर भी ललन नहीं मानता है। वह रघुवीर को लेकर उस स्थान पर जाता है जहां वह जुए का खेल हो रहा था। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि खेल वाला 10 की 100 मुद्राएं देता है। यदि 10 मुद्राएं दांव पर लगाओगे तो जीतने पर 100 मुद्राएं प्राप्त होगी। ललन के मन में लालच आ जाता है। उसने चुपचाप अपना नाम जुआ खेलने वालों में लिखवा दिया और रघु से 100 मुद्राएं लेकर दांव पर लगा देता है। ललन के पास उस समय 100 मुद्राएं उपलब्ध नहीं थी। केवल उसने जुबान दी थी। खेल वाले ने अपनी माया फेंकी और
ललन का 100 का दाव जीत लिया। जुआ वाले ने ललन से अपनी जीती हुई रकम मांगी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो हारा हुआ दाव चुका पाता, इसीलिए अब उन दोनों के बीच विवाद शुरू होने लगा। मित्रों, उसी समय पर वहां का जो राजा था वह वहीं से गुजर रहा था। राजा ने देखा कि एक जगह दो लोगों में झगड़ा हो रहा है। वहाँ काफी भीड़ जमा थी। कुछ लोग मिलकर दो लोगों को पकड़े हुए थे। जब राजा ने पूछा कि यह क्या माजरा है, तो पूछने पर पता चला कि दूसरे नगर से दो व्यापारी आए थे और वे यहाँ जुए में कुछ पैसे हार गए, लेकिन दाव चुकाने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। राजा ने उन दोनों से कहा कि जब आप जुए में धन हार गए हैं, तो हारा हुआ धन क्यों नहीं चुकाते। तब ललन कहता है, महाराज, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम इसका दाव चुका सके। यह ज्वारी छल और प्रपंच से लोगों का पैसा जीत रहा है, हम इसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। मित्रों, राजा के मुनिम ने बताया कि यह ज्वारी नवीन है और वह नियमित रूप से राजा का कर भरता है। राजा ने सोचा, यह दोनों तो नए नए आए हैं और वह ज्वारी तो पुराना करदाता है, इसलिए उससे उसका पैसा मिलना चाहिए। क्रोधित होते हुए राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों से धन की वसूली की जाए। मित्रों, राजा के सिपाही जाते हैं और उनके पास जो भी धन था उसे छीन कर ले आते हैं और सबको बेचकर उस ज्वारी को धन लौटा देते हैं। मित्रों, रघु के पास में जो धन था वह भी छीन जाता है। ललन तो पहले से ही धनवान था, मगर रघु ने अपनी जमीन गिरवी रख व्यापार शुरू किया था। राजा की कुर्की के बाद उसके घर में कुछ नहीं बचता है। इधर इनके पास जब कोई पैसा नहीं बचता है, तो सराय वालों ने भी उन्हें अपनी सराय में ठहरने नहीं दिया। कहते हैं, जब किस्मत खराब होती है तो फिर कोई साथ नहीं देता। मित्रों, रघुबर ललन की करनी पर बहुत दुखी हो रहा था। कहने लगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा, किस तरह अपनी पत्नी और बच्चे को मुंह दिखाऊंगा। खेत तो पहले से ही गिरवी रखे हुए, अब मैं उस साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। श्रोताओं, ललन बड़ा चालाक था। वह जुआ में रघु का पैसा ही हारा था। जुआ तो खेला, ललन पर पैसा चला गया। रघु का ललन ने कहा, देखो मित्र, अब ज्यादा सोच विचार मत करो, जो हुआ सो हो गया। अब तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे साथ रहकर जीवन यापन कर लो, तुम्हारा जो भी खर्च होगा मैं उठाऊंगा। मित्रों, ललन की बातें सुनकर रघु को उस पर बड़ा गुस्सा आता है। रघु कहता है, वाह भाई, पहले तो मेरा सारा धन जिम हार गया, अब मुझे अपना नौकर बनाकर रखना चाहता है। मैं तुम्हारा नौकर बनकर नहीं रहूंगा, मुझे तुमसे अपना सारा धन वापस चाहिए। चलो मैं गांव में मुखिया जी से इस बात की शिकायत करूंगा। मित्रों, ललन को ऐसा लगा कि रघु मुखिया जी से शिकायत करके मुझे गांव से ने, फिर मैं कहां जाऊंगा, मेरा तो कोई घर भी नहीं है। काफी सोच विचार के बाद ललन के मन में रघु को कर गलत विचार उत्पन्न होने लगते हैं। दोस्तों, उस समय रात का समय था, दोनों सुनसान रास्ते से अपने घर लौट रहे थे। ललन ने सोचा, क्यों ना मैं रघु को यही रास्ते में मार डालूं, तो मेरी राह का कांटा निकल जाएगा। यही सोचकर ललन ने रास्ते में रघु के गले में एक रस्सी का फंदा डालकर उसकी गर्दन को जकड़ लिया। दोस्तों, रघु के गले में रस्सी कसने से उसकी मृत्यु हो जाती है। ललन ने रघु के मृतक शरीर को एक नदी के प्रवाह में बहा दिया। रघुबर की हत्या करने के बाद ललन घर लौट आता है। ललन को अकेले आया देखकर रघु की पत्नी पूछती है कि भैया, मेरा पति कहाँ रह गया, वह तो आपके साथ व्यापार करने गई थी। तो ललन रोते रोते बनावती बातें उसकी पत्नी को सुनाता है कि हाय, मैं लूट गया, मेरा धन भी छिन गया और मेरा मित्र भी चला गया। रास्ते में मुझे डाकुओं ने घेर कर सारा धन छीन लिया और मेरे मित्र को मार करके नदी में बहा दिया। मित्रों, यह खबर सुनकर
रघु की पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाती है। ललन की बनावटी बातों ने गांव वालों को विश्वास दिला दिया। गांव वालों ने भी सोचा कि सच में चोरों ने रघु को मारकर उसका धन लूट लिया होगा। मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता है। रघु की पत्नी अपने बच्चे को साथ लेकर विधवा बनकर अपना जीवन गुजार रही थी। इधर ललन धीरे धीरे श्रीधर के घर पर अपना कब्जा कर लेता है, साथ ही उसके बेटे को और उसकी स्त्री को अपने घर का नौकर और नौकरानी बना लेता है। उसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव करता है। घर का सारा काम उन्हीं दोनों से कराता था। वह उन्हें सिर्फ एक ही समय भोजन दिया जाता था। धीरे धीरे ललन गांव का सबसे धनी व्यापारी बन गया। अब तो उसके खिलाफ कोई बोलता भी नहीं था। एक दिन रघुवर की विधवा पत्नी और उसका पुत्र मंदिर में पूजा कर रहे थी, तभी ललन की पत्नी उनका पीछा करती हुई मंदिर में जा पहुंची। ललन की पत्नी उन दोनों पर पहनी नजर रखती थी। उसे डर था कि यह दोनों कहीं भाग ना जाएं। मित्रों, बसम पत्नी गई तो थी ममर में उन दोनों को देखने, लेकिन वहां पर उसे कुछ और दिख गया। उसने देखा कि मंदिर में भगवान नारायण के सिर पर रतन जड़त मुकुट रखे हुए हैं और वह भी बहुत कीमती है। मंदिर में तमाम सोना चांदी देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसके मन में एकदम लालच भर आता है। वह तुरंत उल्टे पाव लौट पड़ी और घर आकर अपने पति को सारी बात बताती है कि तुम धन के लिए देश विदेश मार घूमते रहते हो। अपने यहाँ के मंदिर में इतना सोना चांदी है कि एक बार मिल गया तो जीवन आराम से कट जाएगा। क्यों ना हम उस मंदिर से वह सारा धन चुरा लेते हैं और धन की चोरी का आरोप रघुवीर की पत्नी के माथे मर देंगे, क्योंकि वह रोजाना सुबह शाम मंदिर में पूजा करने जाती है। ऐसा सब गांव वालों को पता है। मित्रों, ललन की पत्नी कहने लगी, पियाजी मैं आज रात चुपचाप जाकर मंदिर से सारा धन चुरा लाऊंगी। पत्नी की बातें सुन ललन बड़ा प्रसन्न होता और रात में एक बड़ा सा खंजर लेकर ललन की पत्नी मंदिर में जाती है और मंदिर में रखी सारी मूर्तियों को खंजर से खंडित करके और सभी रत्नों को चुरा लाती है। जिस खंजर से मूर्तियों को खंडित किया गया था, उस खंजर को और कुछ हीरे जवाहरातों को लाकर वह स्त्री रघु की पत्नी के कमरे में रख जाती है। इधर सवेरा होता है। गांव के कई श्रद्धालु लोग जब मंदिर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि भगवान शिव के मंदिर की सारी मूर्तियां टूटी हुई पड़ी थी। मूर्तियों में लगा हुआ सोना चांदी हीरे जवारा किसी ने चुरा लिए हैं। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। इधर रोज की तरह रघु की पत्नी पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। उसे नहीं पता था कि ललन की पत्नी ने मंदिर से सारा खजाना चुरा लिया है और उसका दोष अब उसके ही माथे मढ़ने वाला है। उधर ललन ने अपने कुछ लोग मंदिर के पास जमा भीड़ में खड़े कर दिए। श्रोताओं, जब भानमती मंदिर के पास जाती तो वहां लगी भीड़ को देखकर अचंभित रह जाती है। वह भीड़ को चीरती हुई मंदिर के नजदीक पहुंचती है। तब तक ललन के जो आदमी वहाँ खड़े थे वह कहने लगे, अरे भाई देखो, यह पुजारी आ गई। रोज सुबह शाम यही मंदिर में पूजा करने आती है। जरूर यह मूर्तियाँ इसी ने तोड़ी हैं और मंदिर का सारा खजाना इसी औरत ने चुराया होगा। मित्रों, भीड़ में ललन और ललन की पत्नी भी खड़े थे। वह तो इसी मौके की तलाश में थे और वही हुआ। ललन के लोग जब इस प्रकार की बातें करने लगे तो उनकी बातें सुनकर गांव के लोग कहने लगे, हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। हो सकता है इसी स्त्री ने मंदिर का खजाना चुराया हो। एक कहने लगा, हाँ भाई, आधी रात के समय मैंने एक स्त्री को इस मंदिर से निकलते हुए देखा था। मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह वही स्त्री है, पर हाँ, वह एक औरत थी, इस बात का मुझे पक्का अनुमान है। सब लोगों की बातें इस तरह हो रही थी। तब तक ललन की पत्नी बोल पड़ी, हाँ हाँ, जरूर इस मंदिर की चोरी इसी ने की होगी। अरे यह तो बड़ी दुष्ट औरत है। जब से इसका पति मरा है तब से इसने अपने शरीर का तो बाजार ही बना दिया है। आधी रात के समय उठ उठकर पता नहीं कहाँ जाती है, किससे मिलने जाती है, क्या करती है।
ललन कहने लगा, मुखिया जी हमें इसके घर की तलाशी लेनी चाहिए, गांव के कई सारे लोग एक स्वर में कहने लगे, हाँ हाँ मुखिया जी जरूर इसके घर की तलाशी लेनी चाहिए। दोस्तों अब क्या था, मुखिया भी सब लोगों की बात से सहमत हो जाता है। मुखिया ने कहा, यदि आप लोग कह रहे हैं कि यह रात में घूमने जाती तो यह बात विचार करने योग्य है, भला एक विधवा स्त्री को रात में घूमने की क्या पड़ी है, या तो वह किसी से मिलने जाती है या फिर कहीं चोरी करने जाती है। दर्शक बंधु सब लोगों की ऐसी बातें सुनकर रघु की पत्नी का हृदय बैठ जाता है, वह रोते हुए सबसे कहती है, बस करो भाइयों, क्यों व्यर्थ की बातों को हवा देते जा रहे हो, मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं पिछले 25 वर्षों से इस मंदिर में पूजा कर रही है, भला मैं मंदिर में चोरी क्यों करूंगी, मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ पर चोर नहीं हूँ। तभी ललन का एक आदमी रघु के घर से कुछ हीरे जवारा और उस खंजर को लेकर आता है जिसे ललन की पत्नी ने उसके घर में छुपा कर रख दिया था। उसने गांव के लोगों से कहा, भाइयों मुझे यह खंजर और यह हीरे जबरात इसी ब्राह्मणी के घर से मिले हैं। रघु की पत्नी यह देखकर और भी ज्यादा बिकल हो जाती है, गिड़गिड़ा हुई कहने लगी, मुखिया जी जरूर यह मेरे साथ कोई साजिश हो रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। आप तो मेरे पति को अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने कभी भी मंदिर से एक पैसे का धन नहीं खाया है। इतने में ललन की स्त्री कहने लगी, वाह जी वाह, यह स्त्री तो बड़ी दुष्ट है, इसने भगवान के घर में चोरी करके और भगवान की मूर्तियों को खंडित करके भारी अपराध किया है। लोग जिस तरह इसने खंजर से भगवान की आँखें नोच कर निकाली है, इसी तरह इसकी भी आंखें निकाल लेनी चाहिए। मित्रों फिर क्या था, भीड़ में से आवाज उठनी शुरू हो गई, हाँ हाँ इसे मारो, इसकी आंखें निकाल लो, इसने बहुत भारी अपराध किया है। इतना कहते ही ललन की स्त्री ने हाथ में वह खंजर लिया और रघु की पत्नी की आंखों में घोप दिया, उसकी दोनों आंखें फूट जाती हैं। गांव के लोग उसी बुरी तरह से पीटने लगे, लाठी डंडों से पीट पीट कर उस बेचारी विधवा को मार डाला। उस ब्राह्मणी का जो पुत्र था वह अपनी माँ के सब पर बैठकर रोने लगता है, उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था। गांव के कुछ अच्छे लोगों ने उस विधवा का अंतिम संस्कार किया, अब उसके पुत्र को कोई पालने वाला नहीं था। ललन और उसकी स्त्री ने विचार किया कि इसको अपने लोग ले चलते हैं, घर का सारा कामकाज करता रहेगा। रघु के पुत्र को लेकर ललन और उसकी पत्नी अपने घर पर आ जाते हैं और उसके साथ नौकरों से भी बुरा बर्ताव करने लगते हैं। बेचारा अनाथ अब कहाँ जाता, इसलिए ललन उसकी स्त्री की डांट फटकार कर चुपचाप उनका काम करता रहता था। दुर्भाग्य से अब उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए थे। इधर ललन की स्त्री गर्भ धारण कर लेती है, पहले से उन पर कोई संतान नहीं थी। श्री का पुत्र दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता था, भोजन भी कभी उसे पेट भर कर नहीं दिया जाता था, बेचारा बहुत कमजोर हो चुका था। एक दिन वह बीमार पड़ जाता है, कमजोरी काफी थी फिर भी घर का उसे सारा काम करना पड़ता था, ठीक से उससे चला नहीं जाता था, फिर भी उसे नदी से पानी भर कर लाना पड़ता था। एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है, उससे उठा नहीं जाता। उधर ललन की स्त्री ने उसे नदी से पानी लाने को कहा, लेकिन बीमारी के चलते वह उठकर खड़ा तक नहीं हो पाया। तब ललन की स्त्री गुस्से से लाल पीली होकर डंडा लेकर उस पर टूट पड़ती है। उसने अपने पति को बुलाया और कहा कि देखो जी यह इतना कामचोर है, मैंने इसे नदी से पानी लाने को कहा तो यह मेरी बातों की अनसुनी कर रहा है, अब यह हमारे किसी काम का नहीं रहा तो फिर इसे घर में रखने का क्या फायदा, ऊपर से इसके इलाज में भी धन खर्च उठाना पड़ता है। अपनी स्त्री की बातें सुनकर ललन एक जोरदार मुक्का उस ब्राह्मणी के बच्चे के मुंह पर मारता है, एक ही मुक्के में उस मासूम का काम तमाम हो जाता है। रघु का जब बालक मर गया तो उसने अपने ही घर में
उसे दफना दिया। गांव वालों ने जब पूछा तो कह दिया कि वह पागल हो गया था, पता नहीं कहां चला गया। मित्रों कहते हैं, हर काम की एक सीमा होती है, पापों की भी एक सीमा होती है। ललन और उसकी स्त्री के पाप इतने बढ़ गए थे कि अब उनका हिसाब किताब चुकता करने का समय आ गया था। प्रिय दोस्तों, अब विधाता की लाठी ललन और उसकी पत्नी पर चलने वाली थी। भाग्य ने उससे बदला लेने की ठान ली। धीरे धीरे जब कुछ समय बीतता है तो ललन की वो कुटिल स्त्री दो जुड़वा बच्चों जन्म देती है। उन बच्चों में एक कन्या थी और एक पुत्र था। दोनों बालक बड़े ही सुंदर थे। उनके आने से पूरे गांव में खुशहाली छा जाती है। बच्चों की खुशी से ललन ने पूरे गांव को दावत दी। उसके व्यापार में भी काफी वृद्धि हुई। दिन पर दिन वे तरक्की करते जा रहे थे। धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। ललन के दोनों बालक जब 17 वर्ष की आयु के हो गए तो उनके मन में भगवान की जागृत होने लग। दोनों बालक मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, हमेशा दुखी लाचार लोगों की सहायता करते हैं, खूब दान धर्म करते हैं। अपने दोनों बच्चों को दोनों हाथों से धन लुटाते देखकर धन के लालची ललन और उसकी पत्नी की छाती बैठी जा रही थी। जिन्होंने कभी घर आए मेहमान को पानी तक नहीं पूछा, आज उनके बच्चे उनके धन को पानी की तरह बहा रहे थे। गांव जिन जिन लोगों की जमीनें साहूकार के यहां गिरवी थी, उन जमीनों को साहूकार से मुक्त कराकर गरीबों में बांट दी गई। दोनों बच्चों के रवैये से बसन बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी संपत्ति उसका धन अब दिन पर दिन कम होता जा रहा था। जिस धन को उसने पाप करके जोड़ा था, आज वह पानी की तरह उसी के बच्चे बहा रही थी। एक दिन ललन को अपने बेटे पर गुस्सा आ जाता है। कहने लगा, मूर्ख, इस धन को मैंने कितनी मेहनत से इकट्ठा किया है और तू इसको दान के नाम पर गरीबों में लुटा रहा है। तेरे जैसे बेटे से तो मैंने संतान ही ठीक था। ललन के ज्यादा क्लेश करने पर उसका बेटा उसे छोड़कर चला जाता है। ललन की स्त्री ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, पर वह नहीं माना। अपने भाई के जाने के बाद अब उसकी बेटी भी अपने भाई के नक्श कदम पर चलने लगी। वह भी दान धर्म करने में पीछे नहीं थी। एक दिन जब वह सो रही तो उसने सपना देखा कि भगवान शंकर के मंदिर से चोरी किए गए सारे आभूषण उसके ही घर में एक अलमारी में रखे हुए हैं। भगवान शिव की टूटी हुई मूर्ति भी उसे दिखाई देती है। तब उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि मेरे माता पिता ने उस मंदिर में भगवान शिव की मूर्तियों को खंडित करके वहां से गहने चुरा कर घर में अलमारी में रख दिए हैं। जब वह अलमारी खोल करके देखती है तो वो गहने मिल जाते हैं। वह उन आभूषणों को लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाती है और उन्हें पहले की तरह उनके स्थानों पर सजा कर रख देती है। इधर ललन और उसकी स्त्री के पाप दिन पर दिन बढ़ते चले गए। उसके पापों का घड़ा भर चुका था, अब उसके पापों का हिसाब करना बाकी था। एक दिन उनके घर में चोरों ने डाका डाल दिया। चोरों को घर में जो धन मिला था उसे चुरा कर भागने लगी। इतने में ललन की स्त्री जाग गई। चोरों को देखकर वह शोर मचाने लगी। चोरों ने देखा कि यह चिल्ला रही है, ऐसे तो हम सब पकड़े जाएंगे। चोरों ने वहीं पड़े खंजर को उठाया और उसकी जिभ को काट लिया और खंजर को उसके पेट में घोप कर आगे को बढ़ गए। उधर ललन ने देखा कि उसके घर से चोर धन चुरा कर ले जा रहे हैं, तो उसने भी चोरों को रोकने का प्रयास किया। एक बलिष्ठ चोर ने उसके पेट में ऐसा मुक्का मारा कि वह वहीं की वहीं बैठा रह गया। दोनों की राम नाम सत्य हो गई। जब दोनों की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उनकी आत्मा को लेकर धर्मराज के दरबार में हाजिर होते हैं। धर्मराज ने देखा कि इन दोनों ने पृथ्वी पर बहुत पाप किया है, इसलिए इन्हें 5 वर्ष तक अश्वपत्र नरक में डालकर इनके शरीर को छिन्न भिन्न किया जाए। उसके बाद इन्हें अगले 1000 वर्षों तक पिशाच योनि में भेज दिया जाए। यह हमेशा मरे हुए जीव जंतुओं का मांस और रक्त का भोजन करते रहेंगे। यह जितना भोजन
करेंगे उतनी ही भूख इनकी ओर तेज होती चली जाएगी। इस प्रकार उन दोनों को नरक लोक में नरक की यातनाएं दी जाने लगी। उधर उनकी बेटी मंदिर में जाती थी, पूजा पाठ करती थी। उस गांव के मुखिया का एक लड़का था। जब उसे पता चला कि इसके माँ बाप इस संसार में नहीं है तो उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। ललन की जितनी संपत्ति थी सारी संपत्ति गरीबों में दान करती गई। कई सालों के बाद जब उसका भाई आया तो उसने देखा कि उसके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं और बहन ने भी गांव के मुखिया के बेटे से विवाह कर लिया है, तो वह भी बड़ा प्रसन्न हो है। मित्रों, अब मैं आपको बता दूं कि ललन का जो बेटा था वही रघुबीर का बेटा था। उसकी जो बहन थी अर्थात ललन की जो बेटी थी वह रघु की पूर्व जन्म की पत्नी थी और मुखिया का जो लड़का था वही रघु था। ललन की बेटी ने मंदिर से चुराए गए सारे आभूषणों को लौटाकर अपने पूर्व जन्म का लांछन दूर कर लिया। जिनके साथ रघु और उसकी स्त्री ने जुल्म किया था वही सब उसी के परिवार के सदस्य बनकर अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आते हैं। 5 वर्ष का नरक भोगने के बाद ललन और उसकी स्त्री को पिशाच बनाकर धरती पर भेज दिया जाता है। वे एक पेड़ पर रहने लगी और वहीं से मरे हुए जीवों का मांस भक्षण करने लगी। उधर वह पिशाच और चुड़ैल उस ब्राह्मण को अपने पिछले जन्म का सारा वृतांत सुनाते हैं और पिछले जन्मों को याद करके बहुत बुरी तरह से रोते चिल्लाते हैं। मित्रों, कुंज ब्राह्मण उन पिशाच की कहानी सुनकर उनका श्राद्ध और पिंड दान करता है, लेकिन उनकी मुक्ति फिर भी नहीं हो पाई। कुंज ने कहा, तुम्हारे पाप बहुत ही घृणित है, बहुत ही प्रबल है। तुमने भगवान शिव नारायण का अपराध किया और उनके प्रिय भक्त के साथ जघन्य पाप किया है और वही तुम्हें मुक्ति दे सकते हैं। जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तुम यूं ही निंद योनियों में जन्म लेते रहोगे। मित्रों, कुंज के श्राद्ध तर्पण करने के बाद भी वे दोनों प्रेत योनि से तो छूट जाते हैं, लेकिन अगली बार वे दोनों कुत्ता और कुतिया का जन्म लेकर आते हैं और इस संसार की नारकीय यातना को भोगने लगते हैं। पिछले जन्म की कुछ स्मृति उन्हें बनी हुई थी, इसीलिए भगवान नारायण के मंदिर के चारों ओर घूमते रहते थे और उनसे प्रार्थना करते थे कि भगवान उनके पापों को क्षमा कर दे। इधर कुत्ता कहता है, हे कुतिया, वही दोनों पापी हम और आप हैं, आज अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं। भोलेनाथ जिस दिन कृपा कर देंगे उसी दिन हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताती है, हमें इस तरह के पाप से बचना चाहिए। किसी को पीड़ा ना दे, किसी के कोमल मन को ना दुखाए, किसी भक्त के साथ छल प्रपंच ना करे, किसी की संपत्ति धोखे से छीन कर हड़प कर अपने अधीन ना करे और ना ही किसी को ठगे। सदा सत्कर्म कर ईश्वर के अधीन रहे, उनकी कृपा हुई तो आपको हर चीज प्राप्त हो सकता है।